हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल वाइब्रेट एजुकेशन। तो पिला आज आम दशम श्रेणी तुम एफ ए थ्री परीक्षा फॉर्मेटिव असेसमेंट थ्री गणितर ओके मैथ्र 100% करेक्ट आंसर देखिए 100% रियल क्वेश्चन रलत डेरी नगर लास्ट टू आरम्भ करेंगे पाने आंसर की भिडियो जहाँकि ओके 15/12/2023 तुम एक्जाम समस्त पे कौन कमेंट कर कि तुम आज एक्जाम एस एल ई इंग्लीश एंड एस एस सी ता किपर हो समस्त कमेंट कर जन ओके चलो स्टार्ट करा पाने पे मुझे कही रखुच्छी कौन ना आमर क्लास टेन्थर बोर्ड एग्जाम पे मास्टर क्लास बोर्ड एग्जाम 2024 कौन लॉन्च है जहाँकि मास्टर क्लास कोर्स ये कोर्स तुमको कौन मिल ना मास्टर क्लास कोर्स ही मिल जहाँकि एग्जाम गोटे दिन कि दु दिन आगे मिले पे ओके कौन कौन बेनिफिट मिल ना तुमको ये तुम होल सिलेबस जमीती कौन हो गला ना क्लास टेन्थ अल्ड सब्जेक्ट जमीती ML विज्ञान मैथ इंग्लीश सबकि सब्जेक्ट एंड ये कोर्स रेगुलर कौन ना दुई रिन कौन लाइव क्लास हम सहित तुम होल सिलेबस पूरा सिलेबस कौन आरंभ रु शेष पर्यंत कवर करें सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन हम 10 ईयर ओके एंड कौन कर पाने ना इंपोर्टेंट सिलेक्ट ए वर्ष धरी ए वर्ष कौन कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी सब चैप्टर सिलेक्ट क्वेश्चन कौन अच्छे से गुट दिखाई एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ द नोट्स क्वेश्चन आंसर क्लास ऑफ नोट दिखा पीडीएफ एंड कौन भेरी सिमिलर टेस्ट हम लास्ट को तीनो पाने बुझे सब दिखाई ओके ए सब तुमको मात्र 399 मिले पाने एक्चुअल प्राइस होती है 599 किंतु तुम जब December 15 भितर ओके आम कोर्स जॉइन हो कि December 15 दिन जॉइन हो तुम कोर्स बढ़ जाए कैसे ना 399 बुझला तो पीला कौन बहुत पीला जॉइन होगा हाँ समस्त जॉइन होगा ओके आउ जे जे जॉइन होने पर्यटन जॉइन हो जाए किपर कौन जॉइन हो प्रथम टेलीग्राम को डाउनलोड कर देन लॉगिन कर छाड़ दबे ओके देन लिंक तो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे कमेंट पिन अच्छे लिंक क्लिक कर कौन कर ना वेबसाइट खोल तुम से कौन नंबर दे साइन अप कर दो ओके साइन अप कला तुम पे कौन कर ना तुमको जो पेमेंट सेक्शन आसो 399 पेमेंट कर ऑटोमेटिक आम कोर्स जॉइन हो बुझा जहाँ भी डाउट हो टेलीग्राम मत कांटेक्ट कर बुझला चलो ओके हैप्पी लुपरी कौन ना से मास्टर क्लास क्वेश्चन दिखाई एग्जाम गोटे दिन आगु तो देख पे कॉपीराइट ओस्टर क्वेश्चन 2023 विषय टाइम भी मिले घंटे 15 75 मिनट घंटे 15 मिनट एंड फुल मार्क होती पाने 50 होती कौन तुम फुल मार्क ओके देख एफ ए थ्री मैथ पेज नंबर 1 पाने फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 एफ ए थ्री क्लास टेन्थर मैथमेटिक्स गणित पाने नेम ऑफ द स्टूडेंट ये नेम लिखो ये रोल नंबर ये सेक्शन लिखो प्रथम कौन अच्छी पीरियडिक टेस्ट पाने ओके देख यूनिटन पे आम कौन देना ना ये रफ पे कार्यस्थान यूनिटन देना निम्न प्रश्न गोटे उत्तर संख्या पर लिख प्रथम क्वेश्चन देना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो ए नॉट इक्वल जीरो को कि प्रकार समीकरण कह जाए यहाँ गोटे कि प्रकार समीकरण पाला ना आंसर लिखा हूँ गोटे के प्रकार समीकरण ना गोटे दीघात समीकरण बुझला दीघात समीकरण ओके देन देख ला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देती ना क्वेश्चन देला आम दीघात समीकरण समाधान सूत्रटी कौन समाधान सूत्रटी कौन पे ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वाल टू जीरो यहाँ से कौन दीघात समीकरण सूत्र देन देख डी लेस देन जीरो मान जीरो सान हुए तो मूलद्वार सुरभ कौन हम ना मूलद्वार सुरभ हम अबास्तव ओके कौन हम ना अबास्तव अर्थात कौन रे ना अर्थात बास्तव नुहे ओके देन देख पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इक्वल टू जीरो समीकरण मूलद्वार गुणफल मैंने अल्फा बीटा से मागिजी तो अल्फा बीटा कैसे हम पाने ना आम आंसर जीव कैसे हम अल्फा बीटा इक्वल टू -63/1 ओके सी वाई ना नहीं तो आंसर जो -63 बुझला नेक्स्ट देख पे कौन देती ना दे लगे हमारे 5 नंबर 2x स्क्वायर -6+3 इक्वल टू जीरो समीकरण अल्फा बीटा मूलद्वार है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मानक ये कि ना अल्फा बीटा तुम काटिदेव हाँ भारी पड़ा तो अल्फा प्लस बीटा काटिदेल हाँ भारी पड़ा देन तुम कौन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्मुला पकाव ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कौन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ओके एवं करके कौन तुम आंसर यहाँ भारी पड़ो ये कौन साइड चेंज कल आंसर आसो तो आंसर कैसे आसो पाला आंसर आसो 6 ओके कैसे आसो आंसर ना 6 बुझेगा देन देख पे यूनिट 2 आम कौन देती ना यूनिट 2 जहाँ देती है कौन देना निम्न प्रश्न गोटे उत्तर संक्षेप लिख प्रथम क्वेश्चन देना जदि मुद्रा को 20 थर टस कराला गोटे मुद्रा को कैसे थर टस कराला ना 20 थर टस कराला ओके 7 थर टी आसला 7 थर गुड़ा कौन आसला ना टी आसला ओके ताले हेचे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेचे केते हेचे आसवर संभावना केते संभावना जे बिलन 13/20 बुझला आंसर जो कहते हैं ना 13/20 देन देख पे कौन देखिए क्वेश्चन ना आम क्वेश्चन देखा कि कौन 2 नंबर क्वेश्चन देती जहाँकि गोटे लुडु गोटी को थे गड़ाइले फल 8 आसवर संभाव्यता के तुम जानते समस्त लुडु गोटी खेली समस्त से कौन 1 रु 6 पर्यटन अच्छी ओके तो 8 से अच्छी ना तो 8 आसवर संभाव्यता के पाने ना 8 आसवर संभाव्यता जीरो देन देख पे 3 नंबर आज वर्षा न होवार संभाव्यता देखी ओके
ताहले आज वर्षा होवार संभाव्यता केते एटा हम जानि छ किपर कोनि मार करबो ना जति देछि त वे एकरु माइनस कर दो 1 माइनस 0.25 तो एकरु 0.25 गले केते बिला माने हबो ना 0.75 ओके आज वर्षा होवार संभाव्यता केते बिला माने ना आज वर्षा होवार संभाव्यता हो जे 0.75 देन देखो बिला माने e1 e2 परस्पर बहिर्भूत घटना हेले प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 केते हबो तो केते हबो बिला माने देखो एटा जो आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 यूनियन e2 हमर एटा आंसर है जो बिला माने प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 बुझला देन देखो इटन कोन क्वेश्चन देजी ना एटा देखले 5 मिनट देखो कोन देला थरे मुद्रा टॉस करले e1 अस्ति हेचे घटना रे परिपूरक घटना लेखो तो परिपूरक घटना कोन गोटे हेचे आसे माने अनिटी कोन आसे ना e2 हेजबो हमर कते हेजबो बिला ना t हेजबो बुझला देन देखो इला नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला नाम देला कि जाके FA3 मैथ पेज नंबर 2 रफ बैंक राजस्थान दे छी आ निम्न प्रश्न उठे उत्तर संक्षेप लेख प्रथम क्वेश्चन ला सादृश्य कहले कोन बुझो सादृश्य कहले बिलन कोन बुझो रे आंसर देखो कोन हो एटा देखो बिलन कोन दे छी दुई चित्र रे आकार आकृति उभय समान बा असमान न होले मध्य जदि आकृति समान होइथाय आकृति समान जे आकृति समान होइथाय तबे समान को सादृश्य कहा जाय बुझिला देन देखो दुई नंबर दुईट सदृश त्रिभुज क्षेत्रफल अनुपात है 4:9 हेल्ले से अनुरूप मध्यम द्वर अनुपात कैसे हम दुईटा त्रिभुज अच्छी हाँ दुईटा त्रिभुज अच्छे जान लु तर कौन देना से क्षेत्रफल अनुपात देती कैसे 4 गोटे गोटे देती 9 ओके तो मध्यम द्वारा कैसे हम ना मध्यम द्वारा हो कहते तरह रूट करते मैंने 4 अनुपात 9 देती मैंने 2 अनुपात 3 हो आंसर कौन लिखो ना तर मध्यम द्वारा अनुपात हो 2:3 बुझला देन देखो दस चित्र पी क्यू बी सी समाधान पी क्यू बी सी समाधान जान लु देन कौन दे ना ए पी इज गल 4 BP ओके ए पी देती कहते ना 4 BP से समान आ सी क्यू देला 7 सेमी सी क्यू देते ना 7 सेमी ताले कौन से बचे ना ए क्यू बचे देखो कमी कर पूरा ओके देख ए पी ओके लिखो ए पी बाय बीपी एटा पिलाने के हमारे ना एपी जल्ड 4 BP देखिए एपी बाई बीपी जो 4:1 यस इजीटा देन देखो देन सी क्यू देला कते ना 7.5 सेमी हम जान लु सी देला तो देखो इटे कोन करबो ना कोन करिया यस तो इटे हम कोन देले बिल हम जदि एपी डा देले जदि 4 होची ताले बीपी डा हमरो 1 होबो हो तो इटे हम जान ले देन देखो एक क्यू हम से पचार छी तो एक क्यू इटे नियम इटे एक्स नै जीवा हां एक्स नै होले सी क्यू हम इटे दे सी क्यू कते सी क्यू दे जे 7.5 ओके एतुर हम इजीरे कर दे देखो इटे कोन आसीबो ना 4:1 माने एपी बाय बीपी इज इक्वल टू ए क्यू माने जहा को हम एक्स नै जे एक्स बाय सी क्यू माने जहा को हम 7.5 दे छी हम ओके 7.5 तो एक्स बिलाने कते जीवा ना एक्स इज इक्वल टू बाजर गणना कर देबा ओके एक्स इक्वल टू 4:7.5 तो 4:7.5 के लोग कहते हैं 4:28 1/2 × 4 मैंने 2 तो 28 प्लस 2 है ना 30 तो आंसर आसा 30 तो एक्स बा ए क्यू हमर कहते आसा पे मैंने ए क्यू आसा हमर 30 बुझला क्लियर ओके 30 सेमी देन देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमर क्वेश्चन कौन देखिए बोले ना क्वेश्चन देला कि एक चतुर्भुज दुई बाहु को समानुपात अंतर विभाजन करुवा रेखा उक्त त्रिभुज बाहु सह संपर्क कौन तो संपर्क कौन पे मैंने ना संपर्क कौन हम आम ना संपर्क हम समांतर ओके संपर्क कौन समांतर बुझला देन देखो बिल 5 नंबर चित्र नंबर 2 रे चित्र हाँ चित्र रे L1 L2 L3 समांतर L1 डा L2 डा L3 सब समांतर हाँ एत बुझला यस देन देखिए कौन ना T1 T2 दुटे छेद T1 गोटे T2 दुटे छेद एति क्लियर हाँ क्लियर देन देखो डी देला पिलन 6 सेमी DE माने एति देला पिलन कते रे एति देला 6 सेमी देन EF देला 8 सेमी EF ने एति देला कते 8 सेमी तो एटा देला 6 हो एति देला 8 हो एति क्लियर यस क्लियर देन BC देला 6 सेमी BC माने एति देला कते एति देला 6 सेमी ताले हम बसे AC माने जो पूराटा बसे इजीटा केमदि करबे देखो नाम जानि जे AB ओके लिखि दउ जे AB/BC इक्वल टू DEF यस एटा हम जानि चोंदि हां जानि चोंदि जानि चोंदि समस्त DEF तापर एबी बिल नाम ये ना एबी आम देनी ये ओके तो एबी जगह आम कौन पकेबा ना एक्स पकईदे तार बीसी बिल नाम ये ना छे बीसी जगह पकईदे छह जो डी बिल नाम ये ना डी दे छम तेज पकईदे छह देन ईएफ आम कहते ना ईएफ दे 8 तो ये पकईदे 8 एतिक क्लीयर है कि यस तो आम ये कौन पकईचे ना एबी जगह आम ये पकईचे एक्स पकईचे तो एबी को आम ये कौन नहीं ना एक्स नहीं ओके तो देख बज्र गुण आसती समस्त को हाँ आसती एटा एट गुण एटा गुण तो 8x कैसे हो हमारे पे 8x हो 600 को कैसे ना 36 तो 8x है 36 तो एक्स जुअल कैसे आसा पे 36/8 हाँ 36/8 आसा तो एबी जहाँकि आम कौन नहीं एक्स नहीं एक्स आसे कैसे ना 36/8 36/8 मैंने के 4 × 36 4 × 8 9/2 हाँ ये क्लीयर तो एबी मैंने जोटा ये आसा कैसे
ना नह बै दुई हाँ सी पचास एसी पचास तो बीस आम देखिए ना बीस देखिए आम छः सेमी ओके मैंने तुम बुझा नुरे एटा देखिए आम कहते ये यहाँ देखिए पूरा कहीपर ना ये देखिए आम नह बै दुई बीस जोड़ा यहाँ मुझे कहते छः तेल पूरा कहीपर हाँ कहीपर कहीं सजा न मिसे दे कौन नह बै दुई प्लस छः नह बै दुई प्लस छः कहते हम यहाँ कौन हम ना नौ बै दुई ओके नौ बै दुई मैं कहते फोर पॉइंट फाइव प्लस छः मैंने दस पॉइंट फाइव सेमी तो आंसर आम कहते आसा पे आंसर आसला आमर एटी एसी इज्कवाल टू के ना के टेन पॉइंट फाइव सेमी बुझला ओके यस तो जहाँ भी डाउट हो क्लीअर करवा किसी असुविधा नहीं ओके समस्त आम कौन जो मास्टर क्लास कोर्स अच्छे पे मास्टर क्लास कोर्स जॉइन हो ओके क्लास आम स्टार्ट होनिट फोर देख निम्न प्रश्न उत्तर संक्षेप लिख ओके तो पे देख तुम जो क्लास टेन्थ बोर्ड एग्जाम गोटे कोर्स लॉन्च होती जहाँ मास्टर क्लास बोर्ड एग्जाम 2024 लॉन्च होती ओके यही कोर्स तुमको एमआईएल विज्ञान मैथ एसएलई सब सब्जेक्ट पूरा पे बेसिक आरम्भ कर उच्च लेवल पर्यटन तो रेगुला पे कौन दुईट लाइव क्लास हम दुई तीन लाइव क्लास हम वन लेखा होल सिलेबस तुम पूरा आरंभ कर शेष पर्यटन सब कुछ कौन क्लीयर करता सह प्रिवियस टेन इयर ओके प्रिवियस टेन इयर क्वेश्चन आस डिस्कसन होता सहित कौन हम ना इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन ए वर्ष धरी कौन तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन से गुटे दिखाई सॉफ्ट कॉपी दिखाई क्वेश्चन आस पीडीएफ दिखाई भेरी सिमिलर लास्ट कौन तीनो बीएसटी हम ओके एंड एग्जाम आगे तुमको कौन टेस्ट हम डाउट क्लियर सब कुछ करह मात्र कौन ना 399 यार प्राइस होती है ना 599 कि तुमको कौन डिसेंबर 15 कि पूर्व कि से दिन जब बाय कर बाय कले के पड़ा ना 399 पड़ो तो पे समस्त जॉइन हो ये कहे ओके से कौन ना एग्जाम गोटे दिन आगे मास्टर क्लास सुपर सिलेक्शन क्वेश्चन दिया दिखाई बुझे तुमको ओके तो पे किपर कौन जॉइन हो लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो देन नंबर दे साइन अप कर पेमेंट कर दियो ओके जहाँ फोन पे नहीं हो किपर ना यूपीआई थ्रू में कि अन्य फोन में पेमेंट कर टेलीग्राम को डाउनलोड करदेव कौन लगइन कर रखी जहाँ द्वारा ग्रुप जॉइन हो पड़े बुझे चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पे आम क्वेश्चन कौन देना निम्न प्रश्न उत्तर संक्षेप दिव प्रथम क्वेश्चन देखा वर्गचित्र परिवर्तन क्या कहुए क्या पे तो देख पे आंसर कौन लिखो ना लिखो कि एक वर्गचित्रर शीर्षबिंदु मान अंकित वृत्त को उक्त वर्गचित्रर परिवृत्त कहुए ओके बुझला तो देख ये लिखित देन कौन करेंगे पे गोटे वर्गचित्र गोटे वृत्तटी करदेव जहाँ भितर गोटे वर्गचित्री करदेव ओके ना देद ए बी सी डी देदेव एंड गोटे कौन गोटे केन्द्रीय करदेव ओके बुझला ओके तो नेक्स्ट कहें कौन क्वेश्चन दीजिए आम जहाँ क्वेश्चन दीजिए कौन दत्त रेखाखंड पांच सर्वसम अनुसार विभाजित रेखाखंड पांच सर्वसम वन टू थ्री फोर फाइव ओके ए भी होती तो एस वन एंड एस टू एस वन एस थ्री ओके एस वन एति के एस वन और एस थ्री ओके तो डिया डिश ए तो कैसे भी हम पे आंसर लिखे कौन इक्वाल टू कौन हो आंसर आम यहाँ तो यहाँ पे आम टू दुई नंबर एस टू बै फाइव ए भी हो आंसर देन देख बहरी विभाजन पी एक्स वाई बिंदु ए बी रेखा एम एम एस एन विभक्त हमें पी बिंदु स्थान कहते तो पे यार आंसर तुमको कौन टेलीग्राम ग्रुप देदेव तो टेलीग्राम ग्रुप जी जॉइन है हमारे जॉइन हो लिंक डिस्क्रिप्शन अच्छे पे क्लिक कर ओके डाउनलोड करना आप ना एवं डाउनलोड करो कहीं तुमको सब कुछ पीडीएफ मिल जाए ओके सब कुछ पीडीएफ तरह कोर्स ना आंसर सब कुछ कौन मिल जाए लिंक डिस्क्रिप्शन क्लिक कर जॉइन होती प्राय 50,000 मेंबर अच्छे बुझे देन देख गोटे वर्गचित्र अंतर्वृत्तर व्यास किपर निर्णय हम किपर पे ना देख देख लो आंसर कौन लिखो ना वर्गचित्र बाहू सह अंतर्भुक्तर व्यास सामान हो व्यास को अर्धा व्यासार्थ कहुए व्यास अर्धा को व्यासार्थ कहुए जदि वर्गचित्र बाहू ए हुए तेज अंतर्भुक्त व्यासार्थ ए हे और व्यासार्थ ए बै टू हे ये लिखिद बुझला ओके क्लीअर तो पे समस्त मास्टर क्लास कोर्स जॉइन हो कहीं डिसेंबर 15 में कौन क्लास स्टार्ट होके चलो ये कौन मास्टर क्लास सिलेक्शन कर बारंबार कौन पे ओके तो पे क्वेश्चन नंबर फोर बुझला आंसर जान लो देन देख देन आम क्वेश्चन कौन देना जहाँ की देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव ओके देखा कि टू दुई सेमी व्यास विशिष्ट वृत्त में एक संवाद त्रिभुज अंतर्लिखित कर ओके देख पे यार आंसर मुझे करदे ओके देख कौन हम देख पे पाँच नंबर टाइम कमी कर ना फाइव नंबर ओके गोटे वृत्त कर चित्र ये कर ए बी सी ना देदेव देन कौन लिख प्रथम पॉइंट लिख दुई सेमी व्यासार्ध विशिष्ट दुई सेमी व्यासार्ध विशिष्ट प्रथम दुई सेमी व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्त अंकन करा जाऊ एक वृत्त अंकन करा जाऊ ओके देन कौन लिख पे प्रथम पॉइंट लिख लें दुई दुई नंबर पॉइंट दुई नंबर पॉइंट कौन लिख ना ओ ए व्यासार्ध ओके देख ओ ए व्यासार्ध ये ओ ए व्यासार्ध ओ ए मुझे आज कौन देखिए दुई नंबर कौन लिखना ओ ए व्यासार्ध अंकन कर कौन 120 डिग्री परिमित एंगल ए भी अंकन कर कौन कहली ना ओ ए व्यासार्ध अंकन कर 120 डिग्री परिमित एंगल ए बी एंगल ए बी अंकन कर देन लिख तीन नंबर पे कौन लिख पॉइंट ना ओ बी पूर्वपरी
ओ बी उपरे पूर्व परि कौन ओ बिंदु रे आउ एक 120 डिग्री परिमिति अंकन करी एंगल बी ओ सी एंगल बी ओ सी अंकन कर जाओ ओके देन तीन सरला दुई नंबर सरला हाँ तीन नंबर सरला देन चार नंबर कौन लिखे ना फल ए बी सी तीन गोटी ए बी सी तीन गोटी बिंदु मिल देन फाइव नंबर कौन लिखियो ना यही ए बी सी ओके बिंदु मान को पर्यायक्रमे जोग कले आवश्यक वृत्तांत लिखियो संभव त्रिभुजी मिल बुझला लिखियो प्रथम लिख दुई सेमी व्यासद विशिष्ट एक वृत्त अंकन कर जाऊ सेकेंड पॉइंट लिखियो ओ ए कौन ओ ए व्यासद अंकन कर यह उपरे 120 डिग्री परिमिति करी एंगल ए ओ बी अंकन कर जाऊ देन थर्ड पॉइंट कौन लिखियो ना लिखियो कि ओ बी उपरे पूर्व परी ओ बी उपरे पूर्व परी ओ बिंदु रे आउ एक 120 डिग्री परिमिति कौन एंगल बी ओ सी कर जाऊ देन फोर नंबर लिखियो फल ए ए बी सी तीन टी बिंदु मिल हाँ मिलला तार फाइव नंबर यही ए बी सी बिंदु मानक पर्यायक्रमे ए बी सी बिंदु पर्याय जोग कले एक आवश्यक संवाद रूप से मिल बुझे ये लिखित ओके ओके पाने तो ये आम सरला नेक्स्ट तो कौन क्वेश्चन दीजिए पाने ओके तो तुम जो मैथ्र कौन पेज नंबर थ्री सरला जहाँकि कौन फाइव नंबर देन पे आम स्टार्ट कौन ना मल्टीपल आसेसमेंट स्टार्ट होती भिन्न भिन्न चारोट दल मध्यम निम्न उत्तरी दलगत कि कार्य आलोचना करी माध्यम समाधान कर पांच क्वेश्चन ये मतलब देखिए यूनिटन कौन था दीघात समीकरण कतोटी बीज थाए दीघात समीकरण कतोटी बीज थाए आंसर लिखे कौन ना दीघात समीकरण दुईट बीज थाए देन देख डी इक्वल टू जीरो बीज दर स्वरूप कौन हम ना स्वरूप हम कौन ना आंसर लिखे कौन बास्तव ओके बास्तव बा कौन सामान बुझला ओके नेक्स्ट देखो पाला तीन नंबर टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो समीकरण बीजद्वयर समष्टि गुणात्मक विलोम केत निर्णय कर केत पाने आंसर हम माइनस टू बै फाइव बुझला देन देख थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल जीरो समीकरण मूल जो आल्फा बीटा हेल्ले वन बै आल्फा प्लस वन बै बीटार मान के मानटा कत पाला यहाँ ना मुझे आंसर दुई हम आंसर दुई ओके सल्यूशन नेक्स्ट भिडियो करेंगे कहीं भिडियो लेंदी हो फाइव देख क्यों भारतीय गणितज्ञ प्रथम पूर्ण वर्ग में परिणत कर दीघात समीकरण समाधान करते तो क्यों भारतीय क्यों भारत गणितज्ञ क्यों गणितज्ञ पे आंसर लिखा श्रीधर ओके श्रीधर श्रीधर कौन ना आचार्य बुझला श्रीधर आचार्य ओके पे नेक्स्ट देखो यूनिट थ्री कौन दे ओके स्कूल देला एस एस सी एच ओ एल शब्द जदृचा ओ बाछबार सांभ्यता कते देखो कतोटा लेटर अच्छे वन टू थ्री फोर छटा लेटर दीजिए मैंने तले लिख छाँ ओ कत दुटा दीजिए तो ऊपर लिखो कत दुई ओके तो सांभ्यता कहते पाला दुई बै छः एक बै तीन मतलब लिखिपर देन देख पाने गोटे मुद्रा को एन थर टस कले उत्पन्न सांभ्यतार उत्पादन संख्या कते तो उत्पादन उपादान हरी उपादान संख्या कैसे भाव ना हम यहाँ टू एन बुझला देन देख परीक्षण एक उपादान विशिष्ट घटना उड्यास घटना कहुए ना कहुए कौन कहुए ना निश्चित घटना कहुए कौन कहुए निश्चित घटना बुझला देन देख पे वन माइनस पी इज के आंसर लिख पी इ डेस हम बुझला नेक्स्ट देख गोटे अधिवर्ष होता वर्ष तेपन रविवार पाइबार सांभ्यता कहते ना सांभ्यता कहते हैं दुई बै सात ओके देन देख पाने यूनिट टू यूनिट थ्री जो मुख्य परीक्षण जहाँकि जेकोसी रेखा त्रिभुजर जेको दुईट भाग सहानुभत बहिर्विभाजन कले उक्त रेखा त्रिभुजर तृतीय भाग सह संपर्क कौन संपर्क पे कौन हमारे यहाँ वेट टिके ओके संपर्क हम तो पे यार आंसर कौन हम ना संपर्क भाग देख जो कौनसी रेखा त्रिभुजर ए लिख कौन रेखा त्रिभुजर दुईट भाग को समानुभत बहिर्विभाजन कले उक्त रेखा त्रिभुजर तृतीय भाग सह संपर्क संपर्क तृतीय टिके तृतीय भाग सह संपर्क कौन हम ना आंसर लिख समांतर हम ओके समांतर हे बुझला नेक्स्ट देखो कौन दे दुई गोटे सदृश त्रिभुज क्षेत्रफल अनुपात सामान अनुरूप उच्चतर डीएस समान कौन सब समान पे मैंने तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देना एक जोड़ा समांतर समांतर सरलरेखा मध्य त्रिभुज गुड़िकर डीएस समान कौन सब समान पे मैंने आंसर लिख कौन वर्ग ओके वर्ग सहित समान बुझला देन देख पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दीजिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए चार नंबर दुई गोटी समान उच्चता विशिष्ट त्रिभुज क्षेत्रफल अनुपात समान अनुरूप डैस अनुपात सह समान तो कह रहा पे मैथ्र पेज नंबर फोर जहाँकि तो कह रहा पे आंसर लिखो यहाँ कौन लिख आंसर ना उच्चता सह समान उच्चता सह समान देन देख फाइव नंबर पे कौन देर आम दत्तचित्र ए डी मैंने कौन देखिए गोटे ओके एंड ए सी हाँ बुझल आम
एम एंगल डी ए देखे 90 डिग्री एम एंगल डी ए मैं ये देखा क्या 90 डिग्री ओके त्रिभुज ऊपर कौन देखा 90 डिग्री 40 डिग्री ओके यहाँ क्या 40 डिग्री एंड ए डी मैंने ए कौन होते 70 डिग्री आउ ए डी देखा 3 सेमी ए डी देखा 3 सेमी आउ ए बै इ सी देखा 2:1 ए बै इ सी देखा 2:1 हेल्ला ए बी के यहाँ कम कौन कर देख देख ये कमी कौन कर ना ये एम कौन एम एंगल डी ए कत दे पे ना 40 डिग्री ओके यस देन एम एंगल ए डी केमको ना एम एंगल एडा क्या सामान एम एंगल ए डी ए कौन टा क्या सामान रे ना एम एंगल ए बी सी एम एंगल ए बी सी हाँ ना ये कौन सामान ना रे ये सामान तो इक्वल टू एम एंगल ए बी सी इज इक्वल टू जोड़ा कौन 70 डिग्री हाँ ए डी एडी आम कहते हैं देख ए तीन सेमी देखो एडी हूँ 3 सेमी देन ए इज टू इ सी आम कहते हैं 2:1 है जमी लिखो सेमती लिख तो ए आम सी पचार एजुकल के पचार ओके तो ये पे कौन लिखिपर ना लिखिपर ए डी बै ए डी बै डी बी ओके इजिकल टू ए बै इसी हाँ लिखिपर हाँ तापर ए डी पे के तीन आउ डी बी को आम एक्स नहीं तीन बै एक्स इजिकल टू ए को आम दुई नहीं जाटा को एक नहीं जा ओके तो देख ये बज्रन करदे कौन आम आंसर आसाना 2x इजिकल टू 3 हाँ आसला एक्स इजिकल के एक्स इजिकल आसन बै दुई है तो एक्स आम के पे एक्स आसला 3/2 मैंने एक्स मैंने आम कौन नहीं एक्स आम कौन नहीं डी को नहीं डी एट आम एक्स आसा क्या तीन बै दुई है तो आम से क्वेश्चन पचार ओके ए भी पचार तो एक्स आसा एक्स तीन बै दुई 1.5 ओके तो डिड़ा डी डी क्या आसा ना 1.5 आसा ओके देन देख डी आसला ए आम से पचार एक्वल टू कौन ए इजिकल टू ए डी प्लस बी डी हाँ ए डी आम क्या देखिए सी एडी आम देख लिखाई क्या एडी आमको सी देन सेमी ओके एडी तीन सेमी तो इजिकल टू 3 सेमी प्लस बीडी हूँ 1.5 तीन जो 1.5 के 4.5 सेमी तो आंसर लिखे कैसे ना ये एबी इजिकल टू के पाने ना 4.5 सेमी बुझला नेक्स्ट देख पे यूनिट 4 कौन देखिए ना जहाँकि कौन 5 मार्क प्रथम क्वेश्चन 2 मार्क सेकेंड 1 मार्क 2 मार्क तीन सेम व्यास विशिष्ट एक वृत्त अंकन कर वर्गजित्र अंतर्खित कर ओके तो देख पे तुम जो तीन क्वेश्चन प्रथम देखा यहाँ कौन देखिए ना तीन सेम व्यास विशिष्ट एक क्वेश्चन देखिए ओके देख तो देख आंसर केमी कर पे देख जहाँकि कौन यहाँ नहीं ओके ये सही तो यूनिट 4 प्रथम क्वेश्चन ओके आंसर कौन केमी कौन कर ना प्रथम तुम कौन कर पाने ना तीन सेमी व्यास विशिष्ट एक वृत्त अंकन कर लिखी तीन सेमी व्यास विशिष्ट वृत्त अंकन कर तो राउंडर बहुत कौन तीन सेमी व्यास विशिष्ट वृत्त अंकन कर हाँ कराला देन कौन कर ना एसी एक रेखाखंड नहीं लंब अंकन कर एसी गोटे रेखाखंड नहीं लंब हिसाब से अंकन कर हाँ तापर ए बी सी डी 4 बिंदु चिन्हट कर ए बी सी डी कौन 4 बिंदु चिन्हट कर देन 4 लिख 4 बिंदु को जोड़ी वर्गचित्र अंकन 4 बिंदु कौन जोड़ी वर्गचित्र अंकन कर प्रथम कौन लिखो ना तीन सेमी व्यास विशिष्ट वृत्त अंकन कर हाला सेकेंड लिखो एसी एक रेखाखंड नहीं लंब अंकन कर लंब अंकन कलेना सब बिंदुटा आसो देन तीन कौन लिखो ना ए बी सी डी 4 बिंदु को चिन्हट कर चिन्हट कला 4 बिंदु को जोड़ी एक वर्गचित्र अंकन कर लिखिद ओके देन देख पे कौन क्वेश्चन देखिए तार पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6.5 सेमी दीर्घ पी क्यू अंकन कर यार मध्यबिंदु को कौन अवस्थान निर्माण कर ओके यार आंसर देख कौन हम देख यूनिट 4 जाए 2 नंबर यहाँ ओके से कही आमको तो 6.5 सेमी कौन नब ओके ना पी क्यू नहीं राउंडर पक दुटा कर समीकरण कर देन आंसर तुम आसे कर देन देख देन पे आम क्वेश्चन कौन देखिए ना आम क्वेश्चन देखिए 6.5 सेमी दर्ग विशिष्ट बी सी अंकन कर 5:3 5:3 रेसियो अनुपात बहिर्विभाजन कर बिंदु द्वय को निर्माण कर ओके यहाँ देख आंसर कौन हम देख लो तुम यूनिट 3 3 नंबर हो कौन आंसर ओके एपुर कर प्रथम गोटे रेखाखंड नब देन कौन चाप पक पक 5 1 2 3 4 नब यहपर कर ओके तो पे ये मुझे कौन मैंने सबकि कौन भिडियो सल्यूसन करेंगे कहीं भिडियो बेस लेंथी होके।
तो पाने देन देख देन आम क्वेश्चन कौन अच्छे आसपिरेसनल कंपोनेंट अच्छी एम एस अफिस आई टी स्किल जहाँ तुम एक्जाम सर जाए कौन आंसर क्वेश्चन आम अपलोड करेंगे टेंशन नहीं किसी ओके तो बस ये पे तो आज कौन आलोचना कले पाने टेन्थ क्लास फॉर्मेटिव असेसमेंट थ्री एफ ए थ्री पर मैथमेटिक्स क्वेश्चन आलोचना कले पाने तो समस्त भिडियो कौन भल लगे पे समस्ते भिडियो कौन कल लाइक कर रखे बोर्ड एक्जाम आम तुम सब साथी रोच लाइक कर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर पाखिर बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेट कर दिया कौन आगे तुम भिडियो आसे देखिए बुझा एंड कौन करें समस्त निजर सांगसाथी कौन भिडियो सेयर करदे ओके आउ टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन अच्छे क्लिक कर जॉइन से तुम पीडीएम मिलजो ओके इंपोर्टेंट कथा कौन पे इंपोर्टेंट कौन आम जो आम कौन रहा ना मास्टर क्लास बोर्ड एक्जाम कर बारंबार खोज पाने एटी कौन तुम एक्जाम वन डे मास्टर क्लास सिलेक्शन दिया जाए तुम जब कौन जॉइन होती ओके 399 वन टाइम पेमेंट मिलना तो मुझे कहते हैं।